तो दोस्तों ड्रामा सीरियल जानी सार जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया उसके आज के एपिसोड में। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह सरफराज कश्माला के कहने पर घर के अंदर आ जाता है, नौशेरों से देखकर गुस्से में आ जाता है और नौशेरों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गन लेकर आता है कि वो आज सरफराज को मार देगा, लेकिन दुआ जो है वो आगे आ जाती है और कहती है कि आप सरफराज को कुछ नहीं कहिएगा। आई थिंक दुआ को नहीं आना चाहिए था अभी, वो भी इसलिए आई थी कि वो नौशेरवा को ये नहीं चाहती थी कि नौशेरवा पे ऐसा कोई इल्ज़ाम लगे कि उसने किसी को मारा ये वो। तो खैर मुझे लगता है कि वो ना आ गया इस तरह से ना कहती, किसी और तरीके से कह सकती थी। अब जाहिर है उन्होंने ड्रामा बनाना है तो उन्होंने ये सब कुछ तो करना है, तो जिसकी वजह से नौशेरवा का जो शक था वो अब पक्का हो गया कि ये उसके साथ है, इसका कोई ताल्लुक इस वजह से क्योंकि उसने उसे बचाया। इसके बाद अब जो कश्माला ने किया है काम वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि कश्माला ऐसा करेगी और वो नौशेरवा के साथ करेगी। क्योंकि अगर वो ये दुआ के साथ करती तो थोड़ा समझ में आता, लेकिन नौशेरवा को उसने मारने की कोशिश की, उसने अपनी तरफ से उसको मारने की कोशिश की है कि सारा इल्ज़ाम दुआ पे आए और जो उनके अम्मा अब्बास आई हैं वो दुआ को घर से निकाल दें गुस्से में। और यही होगा कल कि जो नौशेरवा के अम्मा और अब्बास आई हैं उनको पता लगता है कि दुआ की वजह से नौशेरवा की यह हालत है, तो वो उसे घर से निकालने का कह देते हैं। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि ये कश्माला ने किया, कश्माला इसमें खुश तो होगी लेकिन नौशेरवा का क्या बनेगा कि अबल। तो मुझे तो यही लगता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ड्रामे का और सीक्वेंस चलना है, इतनी जल्दी तो नहीं मार देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंड में मार देंगे नौशेरवा को, अभी नहीं तो एंड में तो मुझे लगता है कि उसको इन्होंने मार देना है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो खैर ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए जो है वो ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कल का ड्रामा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये जो इतवार को नहीं लगता, इतना अच्छा होता था कि तीन दिन लगता था, अब सिर्फ दो दिन लगता है और एक घंटे का ड्रामा होता है, उसमें आधा घंटा ब्रेक ही होती है, सिर्फ 30 से 35 मिनट का ड्रामा होता है। तो इतना गुस्सा आता है कि पूरा हफ्ता इंतज़ार करो और सिर्फ दो दिन लगता है और वो भी 35 और 35 मिनट निकालो, मसा एक घंटे सवा घंटे का ड्रामा लगता है दो दिन का लगा के। तो खैर हमें तो स्टोरी से है, तो स्टोरी जो है वो तो बोरिंग हो चुकी थी ड्रामे की, क्योंकि नौशेरवा का जो इन्होंने एक करेक्टर क्रिएट किया था स्टार्टिंग में वो एक ऐसा करेक्टर था कि मैंने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसा करेक्टर नहीं देखा था, इतना हाई लेवल उन्होंने करेक्टर बनाया था ना नौशेरवा का। लेकिन अब जो आजकल उसका रोल उसको दे दिया है, वो करेक्टर का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। मतलब कि एक इंसान जो उसे दुआ को वो जानता तो था कि वो अच्छे घर से उसका ताल्लुक है, तो वो अच्छी फैमिली है, इज़्ज़त वाला घर है, तो अब वो किसी गलती की वजह से उस जगह में पहुंच गई, पर उसको ये तो पता था ना कि उसने गलती की, लेकिन फिर भी वो उसे वहाँ से लेकर आया और उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब वो उस पर इस तरह से इतना हैवी शक कर रहा है, अगर उसको शक करना भी है तो वो उसकी वो कराए ना, इन्वेस्टिगेशन कराए, जाफ़र को कहे, जो जाफ़र हर चीज़ पता कर देता है वो ये भी पता कर देगा कि ये सब कुछ कोई करा रहा है ये वो। और इतना कि उनके घर का कोई चौकीदार सच बोल ही नहीं रहा, सारे कश्माला के इशारों में नाच रहे, हालांकि नौशेरवा का घर है, अगर होती ना हवेली तो फिर हम मानते भी, लेकिन वो उसके घर में कश्माला के कहने पर सब कुछ करे, तो ऊपर से नौशेरवा का कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेवियर दिखा दिया दुआ के साथ। इतना नहीं दिखाना चाहिए था, थोड़ा बहुत दिखा देते, कुछ ज़्यादा गुस्से में बोलना और ये वो, इतना हैवी बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए था जहाँ तक मुझे लगता है। कहीं ना कहीं वो भी सही है कि दुआ जब सच नहीं बोल रही तो उसे गुस्सा तो आएगा, लेकिन क्योंकि वो करैक्टर इस तरह का पोलाइटली सा स्वीट सा करैक्टर था तो उसमें इतना मुझे लगता गुस्सा आना नहीं चाहिए था। चलो खैर आ गया, तो अब जो है मुझे लग रहा है अब शायद स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से तो बहुत बोरिंग थी, अब मुझे लगता है अच्छी होगी। तो आने वाले एपिसोड के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब आगे जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे लगता है तकरीबन एक महीना ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना ये ड्रामा चलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अभी 55 एपिसोड लग रहे हैं ना, हो सकता है 60 एपिसोड तक चले जाएँ अगर इन्होंने ज़्यादा ना खींचा, और अगर ज़्यादा खींच दिया तो ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा देर ड्रामा नहीं चलने वाला, ये जो नया ड्रामे का ऐड आ रहा है ना मुझे लगता है वो इसकी जगह ही आ रहा है। तो खैर जानी सार को तो बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छा ड्रामा था। तो बाकी आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप ड्रामे के बारे में क्या सोचते हैं।